तो मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। ज्योतिबा मंदिर के दर्शन के बाद उनकी बहन के मंदिर के बगल में ही खंडोबा का मंदिर है। संस्कृत ग्रंथों में खंडोबा को मातंग भैरव या सूर्य के रूप में जाना जाता है, जो सूर्य देवता मातंग और शिव के उग्र रूप भैरव का एक संयोजन है। खंडोबा को तेलंगाना में मल्लना मुनीशिर और आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन स्वामी, कर्नाटका में मेलारा के नाम से भी जाना जाता है। खंडोबा के प्रसिद्ध मंदिर जेजुरी पुणे से 48 किलोमीटर की दूरी पर है। पाली जो सातारा जिला महाराष्ट्र में है, बीदर कर्नाटका के पास में दूसरा मंदिर है। नाल दुर्ग महाराष्ट्र में है। मेलारा लिंग ये कर्नाटक में है। इसी तरह से 10-12 मंदिर पूरे भारतवर्ष में है खंडोबा के। खंडोबा का संप्रदाय एक लोक धर्म वैदिक गुद्र के प्रभाव को दर्शाता है। पौराणिक शिव को ब्राह्मण धर्म में लिंग के रूप में पूजा जाता है, जबकि खंडोबा नाम खडंगा यानी तलवार राक्षसों को मारने के लिए खुडुम्बा द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार से आया है। तो अब हमें श्री दात जी इस बारे में डिटेल में बताएंगे। तो हमने क्या समझा कि खुडुम्बा उग्र शिव यानी शिव का उग्र रूप रुद्र और सूर्य का मिला जुला रूप है, ऐसा माना जाता है। तो उसके बारे में हमें श्रीनाथ जी और डिटेल में बताएंगे, जो हाँ एमई मंदिर के पास है कोल्हापुर में ये मंदिर। ये आप बताइए, पहले अपना नाम बताइए फिर। मेरा नाम श्रीनाथ विष्णु उपाध्याय है। मैं यहाँ का ज्योतिबा डोंगर का पुजारी हूँ और खंडोबा का भक्त। खंडोबा जो है वो शिवलिंग शिव का रूप है। अच्छा, शिव का रूप है। इसका मेन स्थान है खंडोबा जेजुरी और पाली का खंडोबा। ये कहाँ पड़ता है, कौन सी स्टेट में? पुणे जिले में पड़ता है। पुणे जिले में पड़ता है जेजुरी खंडोबा। खंडोबा वो शिवजी का रूप है। शिवजी का रूप है। थैंक यू। अच्छा बताया। हाँ बताइए। ये जो खंडोबा का रूप है, मार्तंड मल्लारी का रूप है, वो शिव का रूप है। और जेजुरीगढ़ में वहाँ पे उनका मुख्य स्थान है। वहाँ पे बहुत साल पुराने हो गया वो कथा। मैं बोलना चाहता हूँ कि वहाँ पे मणि और मल्ल दो राक्षस थे और वो प्रजा को खूब बहुत ही तंग करते थे। वहाँ बहुत तंग करते थे और शिव जी को पता चला। वो शिव जी ने मार्तंड मल्लारी का रूप लिया और मार्तंड मल्लारी के रूप में वो उनका संहार कर लिया उधर। अच्छा, इसलिए खंडोबा इस शिव जी के रूप को मार्तंड मल्लारी भी कहते और खंडोबा नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। फिर अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे लेकिन प्रिय है तो वो आपके पालन के लिए सेवक के लिए वो कुत्रा है। कुत्रा मतलब डॉग। वैसे भैरव बोलते हैं। भैरव बोलते हैं। कुत्ते को नहीं मारना चाहिए।